नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमे ओणजिणम वीरम अनंतवर्णान दंशन सहावम वोक्षामिणियम सारम केवली सुद केवली भणिदम। भगवान कुंद कुंदाचार्य देव के द्वारा निज भावना के निमित्त रचित महान परमागम नियम सारजी शास्त्र है और नियम सारजी शास्त्र में शुद्ध भाव अधिकार की गाथा नंबर 38 पर हमारी स्वाध्याय चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन भी हमने अभी इसी गाथा पर सुना है। गाथा का विषय बहुत मार्मिक है और आचार्य देव उसमें ये बात बता रहे हैं कि हे और उपादेय तत्व के स्वरूप का क्या कथन का हे और उपादेय तत्व का क्या स्वरूप है, माने हे तत्व कौन है, उपादेय तत्व कौन है, किसके अवलंबन से सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है, किसके अवलंबन करने से सम्यक दर्शन कभी नहीं होता, तो इस संदर्भ में ये चर्चा अपनी चल रही है जिसमें पहला वाक्य जो आया ये आया कि जीवादि सात तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण उपादेय नहीं है, वास्तव में उपादेय नहीं है। और इसकी अपनी चर्चा काफी अपनी हुई है, परद्रव्य क्यों कहा, उपादेय का अर्थ यहां पर क्या है कि प्रकट करने वाली बात नहीं है, यहां आश्रय करने योग्य उपादेय का विषय है। प्रकट करने की अपेक्षा से तो जिनागम में संबंध निद्रा मोक्ष को उपादेय कहा जाता है, अन्य शास्त्रों में ये बात अन्य जगह ये बात आएगी, लेकिन आश्रयभूत तत्व की जब चर्चा आए तो आश्रयभूत तत्व में एकमात्र जो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव होता है वही आश्रय करने योग्य होता है, है ना। तो देखो इसमें बहुत बढ़िया बात आई, आज थोड़ा टीका के ऊपर भी थोड़ी चर्चा करते अपन, वो ये बात हुई थी। अब इसके बाद एक वाक्य आया था कल के प्रवचन में से है ये विषय भी, सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का जो शिखा मणि है, गाथा की टीका का वाक्य है, क्या कहा कि अब जो उपादेय नहीं है वो बात करनी है ना, कि जीवादि सात तत्वों का समूह उपादेय नहीं है और उपादेय भूत तत्व कौन है ये बात करनी है। तो सबसे पहले यहां पर मुनिराज अपनी भूमिका से बात उठाते हैं कि कैसे मुझे, मैंने मैं ऐसा हूं और मुझे ये उपादेय है, वो बात करते हैं। तो यहां पर देखो, सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का जो शिखा मणि है, ये मुनि दशा की व्याख्या की उन्होंने कि मुनिराज कैसे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि सहज वैराग्य, ये सहज वैराग्य क्या शब्द है, सहज वैराग्य का मतलब क्या होता है। तो गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छा व्याख्या की कि दुकान धंधा व्यापार छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य ले लिया, इसलिए वैराग्य हो गया, कहते ऐसा नहीं है। देखो कितनी करारी चोट है कि सारी दुनिया
बाहर के इन संयोगों से अपने को अलग करके अपने को वैरागी समझ लेती है। हमने दुकान छोड़ दी, हमने धंधा छोड़ दिया, हमने व्यापार छोड़ दिया, हमने स्त्री पुत्र आदि का त्याग कर दिया, हमने ब्रह्मचर्य ले लिया, तो कहते इसलिए वैराग्य हो गया। कहते ऐसा नहीं है। ये कहकर के क्या कहना चाहते हैं? देखो पहले इन सब को ग्रहण करने वाला अपने को मानता था। क्या मानता था? मैं इन सब का मालिक हूं। तो जैसे मैं इनका मालिक हूं, यह अभिप्राय पर द्रव्य में अपनेपन की मान्यता का अभिप्राय होने से मिथ्यात्व कहलाता था। अभी क्या हो गया? अभी मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने इसको छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि छोड़ने के नाम पर भी परद्रव्य का मालिक बना नहीं छोड़ा। क्या हुआ? छोड़ने के नाम पर भी परद्रव्य का मालिक तो रहा, मैंने इसे छोड़ दिया, माने इसका मालिक तो मैं ही हूं, मैंने छोड़ दिया। लेकिन तूने परद्रव्य का मालिक बना छोड़ा कि नहीं छोड़ा, पहले ये बता। क्यों? क्योंकि भाई साहब परद्रव्य तो बाह्य परिग्रह कहलाते हैं, और वे बाह्य परिग्रह भी तब कहलाते हैं कि जब उनके प्रति हमारा ममत्व हो अथवा उनके प्रति हमारा राग हो। अगर राग नहीं हो उन परद्रव्यों के प्रति हमारा, तो वो परद्रव्य बाह्य परिग्रह कहलाएंगे। भाई अपन ने एक मकान है और अपन रहते हैं उसमें, तो अपन रहते हैं तो क्या होता है? तो अपन अपने को मालिक मानते हैं उसका। अब अपन ने वो मकान बेच दिया और रजिस्ट्री हो गई और मकान का पैसा अपने हाथ में आ गया, और अपनी अभी व्यवस्था नहीं हो पाई मकान की, दूसरे की, जिसने खरीदा वो भी अपना मिलने वाला ही है। तो उसने कहा कि भाई साहब कोई बात नहीं, 4-6 महीने नहीं आपकी व्यवस्था हो, जब तक दूसरा आपको नहीं मिले आप रहो आराम से, 6 महीने बाद ले लेंगे। अब हम उस मकान में रह रहे हैं, मकान में अपने पने का स्वप्न भी है क्या? पैसा ले लिया, पहले भी रह रहे थे और अभी भी रह रहे हैं। अब ध्यान से सुनना कि पहले रह रहे थे तो वो मकान हमारे लिए बाह्य परिग्रह कहलाता था, धन धान्य आदि बाह्य परिग्रहों में मकान वगैरह का नाम है कि नहीं? और अभी भी उसी मकान में रह रहे हैं अभी, लेकिन उस मकान में रहने पर भी अब वो मकान अपने लिए परिग्रह की कोटि में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कि ये जानते हैं कभी अपन ने तो बेच दिया इसको, अब अपना क्या है इसमें, है ना, बेच दिया। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ये तो एक उदाहरण दिया कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि साहब अपन ने मकान बेच दिया और मकान खाली करके अपन चले गए, फिर भी जब कभी उस सड़क पर अपन निकलते हैं जहां वो मकान था, तो अनायास अपनी नजर उधर जाती है, और कोई आदमी अपने साथ में हो, कोई अपना रिश्तेदार हो, तो अपन दिखाते हैं ये अपना मकान था, अपन ने निकाल दिया इसे, है ना। तो कोई अपने जैसा समझदार मिल गया उसको, तो उसने कहा भाई साहब आप कह रहे हो अपन ने निकाल दिया उसको, वो तो वहीं खड़ा है, निकले तो आप हो, नहीं है समझ, निकला कौन है, निकले तो आप हो, मकान तो वहीं खड़ा है। सोचो भाई, बाहर के पदार्थों के त्याग का नाम वैराग्य नहीं है, बाहर के पदार्थ संयोग में होने का नाम वैराग्य का अभाव नहीं है। अगर ऐसा होता तो भरत जी घर में ही वैरागी, आता है कि नहीं आता भजन, है ना, और उनकी 9 निधि 14 रत्न के स्वामी बाहर में दिखाई देने पर भी उनके लिए उनके जमाने में यह भजन प्रचलित था कि भरत जी घर में ही बैरागी, वे तो अनधन सबके त्यागी। अरे वह काय के त्यागी है साहब, इतना भोजन तो इतना उनका चक्रवर्ती का भोजन आप सुन लो तो आपको आश्चर्य हो जाए, कितना गजब का भोजन, कि जिस भोजन का 1 ग्रास
उसकी पटरानी केवल पचा सकती है, बाकी चक्रवर्ती के भोजन का एक ग्रास उन 96 करोड़ सैनिकों को अगर बांट दो, एक ग्रास कितना हिस्से में आएगा, अगर वो उसको इतना जितना हिस्सा उनको मिला अगर उतना हिस्सा वो खा ले तो सबको 35 की बीमारी हो जाए, इतना गरिष्ठ भोजन। और तुम कह रहे हो कि सबके त्यागी, तो ऐसी शंका भरत जी के जमाने में भी हुई किसी को, सिर फिरे बहुत होते। तो हमने कहा काय के भरत चक्रवर्ती बेरा, ये सब ढोंगी है, काय का बैरागी। तो भरत चक्रवर्ती के पास पहुंच गया, साहब हमने सुना आप बड़े बैरागी हो, लेकिन हमें तो नहीं लगता आपके लक्षणों से है, इतने सब ठाट बाट आपके दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी हम थोड़ी देर बाद आपको इसका जवाब देंगे, अभी हम बिजी हैं थोड़े, लेकिन एक काम करो आप। तो क्या करो कि आप हमारा सारा जितने हमारे महल हैं, जितने हमारा माने हमारी सेना है, जो भी हमारा ठाट बाट है, जितना वैभव है, जब तक आप सारे वैभव को देख के आओ, लेकिन ध्यान रखना एक तेल का कटोरा उसे पकड़ा दिया भरा हुआ, और तेल का कटोरा पकड़ा करके दो नंगी तलवार लिए हुए सिपाही उसके साथ में कर दिए। चक्रवर्ती अब ये भी नहीं कह सकता है, नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, चक्रवर्ती के सामने फंस गया बेटा। तो उसे कहा कि अगर एक तेल की बूंद इसमें से नीचे गिर गई तो ये तलवार वाले सिपाही अपना काम करेंगे, मैं कुछ नहीं करता फिर, अब आप जाओ, अब जब आप देख करके आ जाओ तब तक मैं भी फ्री हो जाऊंगा, फिर अपन बात करेंगे। अब भाई साहब वो गए सब जगह देख, अब उनको परिचय भी देता था, ये राजा साहब का फलाना, ये उनका, ये सब परिचय मिला, और घूम घाम करके थका हारा बेचारा आया। भरत चक्रवर्ती ने पूछा, बोलो देखाए, सब वैभव देखाए ना? महाराज क्या देखाए, हमने तो ये तेल का कटोरा देखा था। क्यों तेल का कटोरा देखा था? कि डर था कि एक बूंद यदि तेल की नीचे गिर गई तो गर्दन कटेगी। भरत चक्रवर्ती ने कहा, जिस तरह सारे संयोगों के सामने सारे संयोगों के मध्य में तुम गए लेकिन तुम्हें अपना एक तेल का कटोरा दिखा, ऐसे ही इन सारे संयोगों के मध्य में रहते हुए हमें एक अपना आत्मा ही अपना दिखता है, अपनी आत्मा के अलावा कोई अपना नहीं दिखता, क्या करे क्या करे। तो देखो, और उनके वैराग्य का प्रभाव यह है कि मुनि दीक्षा अंगीकार करते ही एक अंतर मुहूर्त में उन्होंने केवल ज्ञान ले लिया, इतना सारा वैभव और मुनि दशा अंगीकार करते ही एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान, है ना। उनके पिताजी को 1000 साल लगे थे हैं, और छोटे भाई बाहुबली को 1 साल लगा था, और सबसे ज्यादा वैभव भरत चक्रवर्ती के पास था। चक्रवर्ती का वैभव तो चक्रवर्ती का वैभव होता है ना, सतखंड का अधिपति होता है ना। तो कहने का मतलब क्या कि हम वैराग्य का माप कहां से निकालते हैं, तो बाहर के संयोगों के आधार में। आचार्य कहते हैं राग से रहित जो परिणति हुई है, वीतरागता की जो परिणति हुई है, देखो कभी कभी क्या होता है कि कसाई की मंदता में भी बाहर के संयोगों का त्यागी देखा जा सकता है जीव, और कभी कभी कसाई की तीव्रता में भी त्यागी देखा जा सकता है। अच्छा तुम हमारी नहीं सुन रहे, चलो हम चले, कभी कसाई की मंदता में त्यागी हो जाता है और कभी कसाई की तीव्रता में भी जीव त्यागी हो जाता है ना। तो कसाई की मंदता और कसाई की तीव्रता में होने वाले त्यागी को त्यागी नहीं कहते, वैरागी नहीं कहते, किसको कहते हैं? कसाई के अभाव की परिणति में जो त्याग हुआ, चाहे वो कसाई का त्याग हो और चाहे वो संयोगों का त्याग हो, समझा गया, उसका नाम वैराग्य। माप ही नहीं करते, माप ही बाहर बाहर से करते। वो यहां पे कह रहे हैं वैराग्य किसे कहते हैं, तो फिर गुरुदेव ने उसकी व्याख्या की कि अपनी पूर्ण वस्तु की प्रतीति के अस्तित्व की श्रद्धा और पुण्य पाप के भाव से विरक्त होना, उसका नाम वैराग्य है। लो कितनी गजब की व्याख्या कि अपने पूर्ण अस्तित्व की श्रद्धा, मैं तो परिपूर्ण चैतन्य हूं, और अपने परिपूर्ण अस्तित्व की श्रद्धा पूर्वक
जो राग द्वेष यानी पुण्य पाप से जो वैराग्य हुआ, पुण्य पाप के भाव से जो विरक्ति हुई, अनंतानुबंधी आदि कषायों का जो अभाव हुआ, तो उस अभाव का नाम वैराग्य है। और आपको पता होगा समय सार की निर्जरा अधिकार की दो गाथाएं, जिसमें आचार्य देव ने ज्ञानी को ज्ञान और वैराग्य शक्ति नियम से होती है, ये गाथा आई कि नहीं आई, है ना। और ज्ञान शक्ति के लिए और वैराग्य शक्ति के लिए अद्भुत चर्चा उस निर्जरा अधिकार में अपने को पढ़ने को मिलेगी, और वो चर्चा चौथे गुणस्थान वाले की है। मुनिराज का वैराग्य तो कोई अलग प्रकार का होता है, मुनिराज का वैराग्य तो दूर से दिखाई दे, इसलिए लिखा ना वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि। कितने शब्दों का प्रयोग किया देखो इसमें, है ना। ये इस प्रवचन में नहीं, लेकिन गुरुदेव श्री के पुराने प्रवचनों में इस पूरे शब्द की व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से और विस्तार के साथ में मिलती है, क्योंकि 80 के प्रवचन में गुरुदेव के 80 सन 80 के अंतिम प्रवचन है, इसमें गहराई ज्यादा है विस्तार कम है। पुराने प्रवचनों में गहराई तो थी ही, लेकिन विस्तार भी बहुत करते थे गुरुदेव एक एक बात का। बाद में तो जो प्रयोजनभूत बात थी उतनी उनने कि भाई अब लोग समझने लगे थे ना, काफी स्वाध्याय वर्ग तैयार हो गया था, तो उसमें उन्होंने पहले ऐसी व्याख्या गुरुदेव बहुत विस्तार के साथ करते थे, वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि। तो इसमें हुआ वैराग्य रूपी महल, महल का शिखर और शिखर का शिखामणि, तीन चीजें गर्भित है इसमें। क्या कहा, पूरा वाक्य क्या है, वैराग्य रूपी महल के शिखर का जो शिखामणि है। अब इसमें तीन चीजें गर्भित है, कौन कौन सी तीन चीजें, वैराग्य रूपी महल, महल का शिखर और शिखर का शिखामणि। तो वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि तो मुनिराज है। क्यों, क्योंकि मुनिराज का वैराग्य इतना बड़ा चढ़ा होता है, इतना जोरदार होता है, इतना प्रचुर होता है कि उनका वैराग्य उनकी परिणति में तो दिखता ही है, परिणति में तो वैराग्य उछाले मारता ही है, अरे उनके शरीर पर भी वैराग्य के लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर पर वस्त्र का एक भी धागा नहीं होना, शरीर में किंचित मात्र विकार नहीं होना, ये उनके अंतरंग वैराग्य को प्रतिबिंबित करता। अंतरंग वैराग्य हो तो शरीर में भी इस तरह की दशा होती है, जैसे मंदिर का शिखर पर जो कलश लगा हो तो दूर से भी हमें दिखाई देता है कि वो मंदिर है, जैन मंदिर है ना। मुनिराज का वैराग्य तो ऐसा है। और पंचम गुणस्थान वर्ती का वैराग्य कैसा है कि महल पर शिखर जैसा है, मान बहुत दूर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन थोड़ा नजदीक आओगे शिखर दिख रहा है भाई, लगता है कोई मंदिर है ना। ये पांचवें गुणस्थान वाले का वैराग्य है। और चौथे गुणस्थान का वाले का वैराग्य कैसा है कि चौथे गुणस्थान वाले का वैराग्य ऐसा है कि महल तैयार हुआ है, न अभी शिखर लगा है और न अभी उस पर शिखामणि चढ़ा है, महल तैयार हो गया, उस महल में घुसकर के ही आप उसका वैराग्य समझ सकते हो। मुनिराज का वैराग्य समझना जितना सरल है, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सम्य दृष्टि श्रावक का वैराग्य समझना उतना ही कठिन है। क्यों, क्योंकि वो तो अपने जैसा दिखाई देता अपने को। सामान्य रूप से देखेंगे तो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सम्य दृष्टि का जीवन और अज्ञानी के जीवन में क्या अंतर दिखाई देगा आपको बाहर से। अरे कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि 6-6 महीने तक अपने भाइयों की शव को लेकर के ये सम्य दृष्टि घूमते रहे, नहीं घूमे, आते कि नहीं आते उदाहरण, और गारंटी से सम्य दृष्टि थे ये बात मानने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं, नहीं थे हैं?
उसी भाव से मोक्ष गए। आज कोई समय दृष्टि हो और ऐसा कर्म करे तो अपन क्या कहेंगे कि कैसा समय दृष्टि है, बोलो। ये समय दृष्टि कि इधर भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ, भरत चक्रवर्ती को तीन समाचार एक साथ मिले थे, चक्रवर्ती बनने के पहले, चक्रवर्ती तो बाद में बने, वो तीन समाचार मिले, आपके पिताश्री को केवल ज्ञान हुआ है, आपके यहां पुत्र रत्न का जन्म हुआ है और आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न पैदा हुआ है, क्या करें? कि सबसे पहले धर्म का काम करना चाहिए। तो गए फटाफट आदिनाथ भगवान के समर्थन में, गए फटाफट आदिनाथ भगवान की पूजा की और पूजा करके आ गए। प्रवचन भी सुना होगा एक आधा, आ गए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि पुत्र जन्म का महोत्सव मनाया। फिर क्या हुआ कि भाई साहब चक्र रत्न लेकर के 60,000 वर्ष तक लड़ने के लिए चल दिए। कि भाई साहब तुम्हें जरा भी, मैं अपनी भाषा में बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक व्यंग्य की भाषा है, इसको व्यंग्य की भाषा में समझना। अपन लोग ऐसा कि तुम्हें जरा भी लाज नहीं आई कि तुम्हारे पिताजी को केवल ज्ञान हुआ, भले आदमी, सारी दुनिया तुम्हारे पिताजी का प्रवचन सुनने जा रही है, तुम लड़ने के लिए जा रहे हो और फिर कहते हो हम समय दृष्टि हैं। आज की दुनिया ये व्यंग्य कसेगी कि नहीं कसेगी, बोलो, अगर ऐसा प्रसंग बने तो बोलो। क्योंकि चौथे गुणस्थान वाले को तो ऐसा उड़ा रखा है लोगों ने कि जैसे वो तो कुछ है ही नहीं, जबकि चतुर्थ गुणस्थान में कितने संसार का अभाव होता है ये आप और हम कल्पना नहीं कर सकते भाई साहब। बाकी के गुणस्थानों में तो नाम मात्र का संसार का अभाव होता है, चौथे गुणस्थान में आते ही नरक गति तिरंश गति कट गई। नरक गति तिरंश गति कौन से गुणस्थान में कटती है, बोलो, कौन से गुणस्थान में? चौथे गुणस्थान में। उसके बाद मनुष्य गति में स्त्री पर्याय, नपुंसक पर्याय, हीन कुल, विकलांग, ये सारी पर्यायें नहीं मिलेंगी। और देवगति में भवन त्रिक में जन्म नहीं होगा, इतना काम चौथे गुणस्थान में हुआ। और चौथे गुणस्थान को ऐसे उड़ा देते हैं लोग के जैसे चौथे गुणस्थान माने कुछ है ही नहीं। कितना काम हुआ ये सोचो पहले तो। अब बाकी के गुणस्थानों में, कि बाकी के गुणस्थानों में क्या होता है, कि बाकी के गुणस्थानों में देवगति में वैमानिक देव और मनुष्य पर्याय में भी पुरुष पर्याय, और उसमें भी कितनी कंडीशन, अन्य धर्म में नहीं जन्म लेगा, बहुत बहुत सारी बातें हैं। केवल इन दो पर्यायों का अभाव करने के लिए, मैंने इन दो गतियों का अभाव करने के लिए बाकी के सारी साधना है। ख्याल में आएगी तो वो वैराग्य समझ में नहीं आता। मुनिराज का वैराग्य तो दिखता है, श्रावक का वैराग्य भी आपको कुछ लक्षणों से दिखाई देगा, क्योंकि उसके जीवन में पापों का एक देश त्याग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? पंचम गुणस्थान में एक देश त्याग हुआ मुनिराज को, सर्वदेश त्याग हुआ। चौथे गुणस्थान में एक देश त्याग हुआ कि सर्वदेश त्याग हुआ, कि ना एक देश त्याग हुआ न सर्वदेश त्याग हुआ, लेकिन अनंत पाप चौथे गुणस्थान में गए, क्योंकि अनंतानुबंधी गई, अनंत गए लेकिन अमर्यादित रहे अभी। क्या कहा, ध्यान से सुनना भैया, क्या कहा? अनंत पाप गए लेकिन अमर्यादित पाप रह सकते हैं। अमर्यादित माने वहां पर पाप की मर्यादा नहीं है, मर्यादा नहीं है माने एक देश पाप का त्याग नहीं है, क्योंकि एक देश पाप का त्याग हो तो अनुव्रत होना चाहिए, और सर्व देश त्याग पाप का त्याग हो तो महाव्रत होना चाहिए, और चौथे गुणस्थान में तो अव्रत है। ऐसा होने पर भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई के अभाव जनित ज्ञान दशा और वैराग्य दशा का प्रारंभ वहां से होता है। क्यों? क्योंकि महल ही नहीं बना होगा तो शिखर किसमें चढ़ाओगे, और शिखर ही नहीं चढ़ा होगा तो शिखामणि किसमें लगाओगे, है ना? शिखामणि चढ़ाने की बात तो करते हैं, शिखर बनाने की बात तो करते हैं, महल को उड़ा देते हैं। भाई साहब महल है तो शिखर बनेगा, शिखर होगा तो शिखामणि लगेगा, चतुर्थ गुणस्थान होगा मैंने सम्यक दर्शन होगा
तो पांचवें गुणस्थान की शुद्धता आएगी, पांचवें गुणस्थान की शुद्धता होगी तो आगे छठे सातवें गुणस्थान की शुद्धता आएगी। इसलिए वैराग्य का वहां से प्रारंभ होता है, वैराग्य का प्रारंभ वहां से और वृद्धि और वृद्धि, वृद्धि पांचवा गुणस्थान और वृद्धि मुनिराज का गुणस्थान है ना, मुनिराज का वैराग्य दूर से दिखाई देता है। तो यहां पे कहा कितनी बढ़िया बात कही कि श्रद्धा अपने पूर्ण अस्तित्व की श्रद्धा और पुण्य पाप के भाव से विरक्त होना, इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम है वैराग्य। ये फिर समय सार के पुण्य पाप अधिकार में भी का उसका उन्होंने दृष्टांत दिया। धर्मी को देखो, गुरुदेव ने उसको याद किया कि धर्मी की ज्ञान और वैराग्य शक्ति एक समय में दोनों साथ हैं, और एक भजन में भी आया ज्ञान विराग शक्ति से निस्दिन करत बंद की छटा छटी, ये भजन में भी आता है। ज्ञान और वैराग्य शक्ति के बल से ज्ञानी भोगों के बीच पड़ा होने पर भी बंधता नहीं है। बंधता नहीं है का मतलब क्या, वहां पे कि जैसा बंध अज्ञानी को होता है वैसा बंध ज्ञानी को नहीं होता। इसको और खोलूं अगर मैं तो ज्ञानी को भोग भोगते हुए भी जितना बंध नहीं होता, अज्ञानी को भोग त्यागते हुए भी उससे ज्यादा बंध होता है। क्या कहा, क्यों, कारण क्या है इसका, क्यों अज्ञानी भोग भोगते हुए भी उतना नहीं बंधता, नाम मात्र का बंध होता है, अनंत संसार का कारण नहीं होता, और अज्ञानी भोगों का त्याग करके बैठा हो तो भी उस ज्ञानी की अपेक्षा से उसको अनंत गुणा बंधन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों, कि मैंने त्याग किया, वो त्याग का अभिप्राय अंदर में पर वस्तु के त्याग का अभिमान का जो जहर है उस अभिमान के जहर को नहीं त्याग पाया। आया, फर्म बदली प्रोप्राइटर नहीं बदला। पहले क्या था, मैं इसके लिए उदाहरण दिया करता हूं, पहले क्या था कि पहले ग्रहणचंद था, ग्रहणचंद एंड सन्स, प्रोप्राइटर मिथ्यात्व कुमार। अभी क्या हुआ, त्यागचंद एंड ब्रदर्स, प्रोप्राइटर कौन, मिथ्यात्व कुमार, प्रोप्राइटर वही है, फर्म बदल गई। हुआ क्या उसमें, भाई इस कंधे का वजन इस कंधे पर उठाने का नाम निर्वार होना थोड़ी है। आया, अभिमान नहीं छूटा ना, मूल में तो अभिमान की बात है, क्योंकि सारा दारमदार तो अभिप्राय के ऊपर खड़ा है। परद्रव्य के ग्रहण का अभिप्राय है और परद्रव्य के त्याग का अभिप्राय है, तो अंदर में परद्रव्य के स्वामित्व का अभिप्राय तो पड़ा, तो स्वामित्व का अभिप्राय नहीं छूटा तो मिथ्यात्व तो नहीं छूटा, और मिथ्यात्व नहीं छूटा तो बताओ कौन सा परिग्रह छूटा है, तो बाहर में सारा परिग्रह छूटा। अरे कहां छूटा, बाहर में परिग्रह का संयोग नहीं दिखाई दिया, लेकिन मैंने परिग्रह छोड़ा, ये मिथ्यात्व का परिग्रह, नंबर का, नंबर एक नंबर का परिग्रह मिथ्यात्व है, ध्यान ही नहीं जाता, समझा है। इसलिए भाई जैन दर्शन के वैराग्य को समझना कोई अद्भुत बात है, सामान्य बात नहीं है। बहिर्दृष्टि से जैन दर्शन में धर्मात्मा का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। आया समझ में, तो यहां पे कहा दोनों एक साथ है ना, ज्ञान अर्थात त्रिकाली उपादेय है ऐसा ज्ञान। एक एक शब्द की व्याख्या देखो, ज्ञान माने क्या, कि त्रिकाली स्वभाव उपादेय है ऐसा ज्ञान, और पुण्य पाप के विकल्प से विरक्त, पुण्य पाप के परिणाम होना और उनमें अनुरक्ति होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पुण्य पाप के परिणाम होना यह चारित्र का दोष है, और पुण्य पाप के परिणाम में अनुरक्ति का होना यह श्रद्धा का अपराध है। श्रद्धा में दोष नहीं होता, श्रद्धा में अपराध होता है। विपरीतता माने श्रद्धा की तो होती विपरीतता और चारित्र की होती है कमजोरी। विपरीतता क्षम्य नहीं होती, कमजोरी क्षम्य होती है। आया सुन, विचार करो जरा,
श्रद्धा की विपरीतता नहीं मिटी तो क्या मिटा फिर? तो पुण्य को मैंने पुण्य पाप का परिणाम होना, क्योंकि पुण्य पाप के परिणाम तो भाई साहब पांचवें गुणस्थान तक सम्यक दृष्टि को भी पाप परिणाम हो सकते नहीं, होते हैं। हो सकते की बात नहीं चल रही यहां पे, होते हैं। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा ना अभी, अपन ने सुना ना अभी कि एक देश पापों का त्याग होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक देश पाप है कि नहीं है, है ना? चाहता तो नहीं है, हे ही तो मान लिया, हे ही मान लिया, इसलिए तो सम्यक दर्शन है। अगर हे ही नहीं मानता तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता। और अभी पापों का पूर्ण त्याग नहीं हुआ इसलिए पंचम गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान है। मुनिराज को भी पाप का पूर्ण त्याग होता है लेकिन पुण्य का त्याग नहीं होता, अभी छूटता नहीं, त्याग नहीं होता मतलब पुण्य का परिणाम उनकी भूमिका में भी आता है। और अज्ञानी धमकी देता है कि यदि तुम पुण्य को हे कहोगे तो हम पुण्य को छोड़ देंगे। मैंने कहा जिस दिन तू पुण्य को छोड़ देगा हम तेरी पूजा करेंगे। नहीं आया सन, पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि जिनने पुण्य छोड़ा उन्हीं की तो पूजा करते हम। क्या कहा? भगवान ने किसको छोड़ा? पाप तो मुनि दशा में छूट गया था, फिर मुनि दशा में जब भगवान ने श्रेणी आरोहण किया है तो श्रेणी आरोहण में भगवान ने पाप छोड़ा कि पुण्य छोड़ा? अरे पाप तो पहले ही छूट गया था, तो पहले छूट गया तो उपचार से बोलते हैं पाप पुण्य सब ना सके। सच में तो जब मुनि दशा अंगीकार की तो मुनि दशा अंगीकार करने के बाद पाप नहीं छोड़ा, मुनि दशा अंगीकार करते ही पाप तो छूट गया। भगवान तो उन्हें कहते हैं जिन्होंने पुण्य भी छोड़ दिया, तुम छोड़ के तो बताओ, हम पूजा करेंगे तुम्हारी। धमकी देने से काम नहीं चलता, वस्तु स्वरूप समझने से काम चलेगा। छोड़ दूंगा। मैंने कहा भैया पाप को तो यही कह रहे हैं, कितना छोड़ा पाप जरा बताना। तुम्हारी बात तो छोड़ो, कोई सम्यक दृष्टि भी ये कहे कि मेरी भूमिका में पाप नहीं होता तो हम उससे भी ये कहने के लिए तैयार हैं कि अपने को धोखा मत दे और दूसरों को धोखा मत दे। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन की ये भूमिका नहीं है कि उस भूमिका में पाप छूट जाए। ये भूमिका मुनिराज की है। लेकिन पुण्य और पाप करने योग्य है, उन पुण्य पाप के परिणामों के प्रति अनुरक्ति का परिणाम है तो सम्यक दर्शन भी नहीं है, है ना? कहवा साहब ये तो बड़ी मायाचारी होगी कि पुण्य पाप से विरक्ति भी, विरक्ति कह रहे हो और फिर पुण्य पाप में लगा दिए, फिर विरक्ति काय की? तो सुनो भैया, विरक्ति ऐसी आप हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, और डॉक्टर आपको दवा लिखे तो आप दवा को अनुरक्ति से लेते हो कि विरक्ति से लेते हो? बोलो, दवा लेने के प्रति आपको उपादेय बुद्धि है कि हे बुद्धि है? आप दवा लेना चाहते हो या लेनी पड़ती है? हाँ? लेनी पड़ती है ना, लेना नहीं चाहते। और अगर मान लो अपना लड़का हो और दवा लाने में लेट कर दे, दवा नहीं लाए, दवा लाना भूल जाए, है ना, उसको डांटते हुए भी दिखाई दे और वो लड़का बोले कि अच्छा दवा में बड़ा रस है जी तुमको तो, है कि दवा कभी भी रस पूर्वक नहीं ली जाती और रस नहीं होने पर भी दवा नहीं ले ऐसा नहीं होता। इसका नाम है सम्यक दर्शन की भूमिका। उदाहरण में हो, रस नहीं है लेता है, क्यों? क्योंकि भूमिका है उस प्रकार की। ऐसा थोड़ी होता है कि अपन डॉक्टर के पास गए, एक उदाहरण, इसी उदाहरण को और आगे बढ़ाता हूं कि जब अपन ने जांच कराया तब डॉक्टर ने अपने को 20 दवा लिखी। आजकल तो थोक के भाव लिखते हैं, कोई डॉक्टर तो माफ करना भैया, थोक के भाव लिखते हैं दवा, ये दवा। फिर मैंने कहा ये काहे की? ये इसका रिएक्शन नहीं हो। अच्छा, फिर मैंने कहा ये काहे की? कि ये इसका साइड इफेक्ट नहीं हो। मैंने कहा तेरा साइड इफेक्ट इतना हो रहा है, अभी किसका होने वाला है दूसरा? अब 20 दवा अपने को लिखी और अपन आए
जिसके बाद एक महीने बाद हम फिर गए चेक कराने, हालत में सुधार। डॉक्टर ने कहा ठीक है जी, आपकी तबीयत बहुत सही है, तो क्या कर रहे हो साहब? क्या बस ये 15 दवा गायब, 5 दवा लेते हैं आप, 5 दवा आपको लेनी पड़ेगी, 3 महीने और 5 दवा लो। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप घर पे प्रसन्न होते हुए आते हो कि मुंह लटकाते आते हो? है ऐसा होता है? अरे कैसा डॉक्टर है, 500 रुपए फीस ले ली और 15 दवा कम कर दी, ऐसा होता है कभी? ऐसा होता है क्या? होता है वाह, अरे भाई जब उन 5-15 दवाओं का बंधन छूटा तो अपन प्रसन्नता मनाते हैं, है ना? राग क्यों क्यों मनाते हैं? क्योंकि दवा लेने का रस तो पहले से ही नहीं था, मजबूरी थी कि लेना पड़ती थी। इसी तरह ज्ञानियों को राग का रस तो शुरू से ही नहीं होता, मजबूरी है भूमिका की कि उस भूमिका में ऐसा परिणाम आ पड़ता है, आ जाता है। ठीक है, जब भूमिका ऊपर बढ़ती है और राग टूटता जाता है, भूमिका ऊपर बढ़ती है और राग टूटता जाता है, तो ज्ञानियों का चित्त प्रसन्नता से माने वीतरागता से उनका चित्त, उनका परिणति भर जाती। तुम्हें क्या बड़ी बात, वो सीधा सा है जैन दर्शन का गणित, ज्यादा नहीं चक्कर। देखो विरक्त है, रक्त है, रक्त है अनादि से, जो रक्त है अनादि से रक्त विरक्त हो गया, वह विरक्त होवे वह वैराग्य है। अनादि से जो रक्त है ना तो वो विरक्त हो जाएगा, उसका नाम वैराग्य है। यह मुनि कहते हैं, कौन कह रहे हैं ये बात? कि ये बात इस ग्रंथ के टीकाकार मुनिराज पद्म परम मलधारी देव कह रहे हैं, जो वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि है। ये मुनिराज की दशा है, कैसी अद्भुत, कैसी गजब की दशा मुनिराज की होती है। वो मुनि कहते हैं भाषा तो सरल है, देखो गुरुदेव की बात कैसे कैसे उनके बहुमान आता है, भाषा तो सरल है परंतु बापू तत्व तो कोई अलौकिक है ना। और आज एक बात आई थी, भाग्यशाली को कान में पड़े ऐसी बात है ये, तो कान में पड़े। अभी परणमन करने की बात तो बहुत दूर है, ये परम सत्य वस्तु स्वरूप अगर हमारे कान में पड़ भी रहा है, समझना अपना महाभाग्य है। कहां है ये बात? भगवान आत्मा, आत्मा को भगवान कहने वाली वाणी है कहां? विश्व में चले जाओ कहीं भी घूमने, और जितने भी धर्म के उपदेशक हैं गारंटी से सुन लेना एक एक का उपदेश, कोई अपने को भगवान आत्मा कह करके संबोधन करने वाला मिले तो बता देना, भगवान आत्मा कह करके संबोधन करने वाले ये महर्षि कुंद कुंद हैं, अमृत चंद्र आचार्य हैं, पद्म प्रमलधारी देव हैं, गुरुदेव श्री हैं, ऐसे ये बात ही कुछ अलौकिक है ना। ऐसा कह रहे कोई बड़ी तत्व कोई अलौकिक है, ये नहीं समझना कि हमें समझ में नहीं आएगा। घबराना नहीं, हताश मत होना, हमें समझ में नहीं आएगा ऐसा मत मानना, निरुत्साहित मत होना। ये निरुत्साहित होने वालों का मार्ग नहीं है, ये वीर्यवान लोगों का मार्ग है। कैसे नहीं समझ में आएगा? कल एक प्रश्न किया था ना किसी ने नैरोबी के प्रवचन में, साहब बात तो बड़ी कठिन है, तो गुरुदेव ने क्या कहा था कि वो देश छोड़ करके परदेश में आना कठिन नहीं लगा तुम्हें? ये उत्तर दिया था कल के प्रवचन में, आपने सुना हो तो है, कि देश छोड़ करके परदेश में आ गए है ना, घर बार छोड़ करके यहां परदेश में भटक रहे हो रुपए पैसे के लिए, कि ये तुम्हें कठिन नहीं लगा? अरे भाई ये बात तो तेरी अपनी बात है, ये सरल ही है ना। यहां पे क्या, ये नहीं समझना कि हमें समझ में नहीं आएगा। प्रभु आत्मा तो एक क्षण में केवल ज्ञान ले सके, इतनी ताकत वाला है। पहले दिन जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो बच्चा अपना नाम नहीं जानता। आजकल तो ना प्ले ग्रुप में भेज देते हैं बच्चे को, 2-2.5 साल का बच्चा वहां टाइम पास करेगा अपना, है ना।
क्योंकि हमें अपना टाइम पास करना है, वो अपना टाइम पास करेगा तो भेज देते हैं। तो क्या करता है वो, अब नाम तो जानता नहीं अपना, तो उसके गले में उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, घर का मोबाइल नंबर, एक्स वाई जेड, उसका एड्रेस वगैरह, हम आई उसका पूरा कार्ड बना करके उसके गले में टांगते। क्यों टांगते? कि देखो ये तो कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन गलती से यदि कुछ हो इधर उधर हो जाए तो किसे भले आदमी को दया आवे तो इसे इसके घर पे पहुंचा दे। ये समय सार, ये परमागम, ये नियम सार परमागम में आचार्य भगवान हमारे गले में हमारा आई कार्ड, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये हमको पहना करके जगत में जा तू भले, लेकिन ये अपना कार्ड अपने गले में रखना, कभी भूल जाए तो तुझे सतपथ मिल जाएगा, है ना। अद्भुत काम किया है भाई इन संतों ने जंगल में रह करके। प्रभु एक क्षण में केवल ज्ञान ले सके इतनी ताकत वाला है। आहा, एक समय में केवल ज्ञान लेने की ताकत वाला कहे कि मुझे समझ में नहीं आता, वाक्य देखो, है ना। इसलिए गुरुदेव की स्तुति में लिखा ना, वज्रवाणी छूटे। मैं कहना, मैं सच बोलता हूं आपको, लगभग 1000 प्रवचनों का ट्रांसलेशन तो हो चुका अभी तक, लगभग एक एक प्रवचन को जितनी बार सुनता हूं उतनी बार मुझे तो इन प्रवचनों में अलौकिकता नजर आती है। मैं अपनी बात करूं अगर, तो जितनी बार सुनता हूं उतनी बार कुछ न कुछ नया, क्या देखो कितनी गजब की बात भी है? कि केवल ज्ञान लेने की ताकत, एक समय में केवल ज्ञान लेने की ताकत वाला आप कहे कि मुझे समझ में नहीं आता। गुरुदेव कहते हैं प्रभु कलंक लगता है, शोभा नहीं देता तुझे ये बात। है कि नहीं? शोभा नहीं देता, कलंक लगता है, समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं कहना। ज्ञान पे आवरण आता है, समझ का पिंड ये कहे कि मुझे समझ में नहीं आता तो सचमुच में फिर ऐसी ही दशा में चला जाएगा कि जहां समझ में नहीं आएगा। क्यों? देखो एक चीज समझ लो कि जिसे ये समझ में आता है कि मुझे समझ में नहीं आता, क्या कहा कि जिसे ये समझ में आता है कि मुझे समझ में नहीं आता वो समझने के लायक है, क्योंकि तुझे ये तो समझ में आता है ना कि मुझे समझ में नहीं आता, बस इतना ही ज्ञान चाहिए आत्मा के लिए। युगल जी साहब के शब्दों में कहें, तुझे मूंगफली खाना आता है कि नहीं आता? बोलो मूंगफली खाना आता है? आता है? आप बताओ जितने लोग अपन बैठे, मूंगफली खाना किसे नहीं आता? क्या खाते हो मूंगफली में? छिलका खाते हैं कि मिंगी खाते हो? भाई इतना ही तो करना है, और करना क्या है? भगवान आत्मा मिंगी है, बाकी सब छिलका है। छिलके को अलग डाल दो, मिंगी को ग्रहण कर लो मिंगी। और होता क्या, मूंगफली छीलते जाते हैं छिल, वो मिंगी अंदर आ जाती है, वो छिलका हाथ से छूट जाता है अपने आप, कोई टेंशन नहीं है उसकी, भाई इतना ही चाहिए भाया। ज्यादा देखो, ज्यादा ज्ञान हो तो आत्मा का हित हो, ऐसा कुछ नहीं। अपना जैन दर्शन कहता है तुस मास भिन्नम वाले कल्याण कर गए, मारुस मातुस, कौन से मुनि थे? शिवभूति मुनिराज, वे अपना कल्याण कर गए। और 11 अंग नौ पूर्व के पाटी भव्य सेन, जिनका नाम रेवती रानी की कथा के बाद है ना, उस परीक्षक ने अभव्य सेन रख दिया था, 11 अंग नौ पूर्व के पाठी संसार में भटकते रह गए। ज्ञान का उगाड़ कितना है, इसके साथ आत्मा के कल्याण का कोई संबंध नहीं। ज्ञान का विकास आत्मा की सन्मुखता में प्रवर्त रहा है कि नहीं प्रवर्त रहा, इसके साथ कल्याण का संबंध है। आगे बात समझ, दिशा किधर है ज्ञान की? सो सन्मुख है कि पर सन्मुख है?
अगर स्व सन्मुख है तो आत्मा का कल्याण है, और अगर पर सन्मुख है तो 11 अंग 9 पूर्व का उगाड़ हो, और यदि वो पर सन्मुख ज्ञान है कोई काम का नहीं है, विग्रह गति में साफ नहीं जाएगा वो। आ गया। और मारुस मातुस इतना सा भी ज्ञान है, और यदि वो ज्ञान अंतर्मुख हो गया तो अंतर्मुख होने वाला ज्ञान केवल ज्ञान को लेकर के आएगा। देखो, स्वभाव के सेवन से ज्ञान में केवल ज्ञान होता है। ज्ञान अपने ज्ञायक का सेवन करे तो केवल ज्ञान होता है, और ज्ञान यदि परज्ञेयों में लगे तो ज्ञान पे आवरण आता है। क्यों? ज्ञानहीन क्यों होता है? परसन्मुखता ज्ञान के आवरण का कारण क्या है? अच्छा बताओ, ज्ञान के आवरण का कारण ज्ञान की परसन्मुखता। जितना जितना ज्ञान बहिर्लक्षी होता जाएगा, जितना जितना ज्ञान बहिर्लक्षी होगा, ज्ञान पर आवरण आएगा, ज्ञानावरणी बंधेगा। ज्ञानावरणी बंधेगा माने ज्ञान पे आवरण आएगा। और जितना ज्ञान स्व सन्मुख होगा, स्व सन्मुख होने वाला ज्ञान ज्ञान के आवरणों को भेदता हुआ केवल ज्ञान की तैयारी करेगा, है ना। उघाड़ कितना है वो चिंता छोड़ दो, जितना है उसको स्व सन्मुख लगा दो। बहु समुद्र सीमित कियो, सीमंदर पूजा माता है ना, सीमंदर भगवान कर सीमित निज ज्ञान को, प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। ये कला है, है? हम क्या सोचते हैं कि देखो हम इसको जाने तो ज्ञान आएगा इसको, तो हम अपने ज्ञान के लिए ज्ञेयों में ज्ञान का व्यापार करते हैं। ज्ञान बढ़ाने के लिए ज्ञान का व्यापार किधर करते हैं? कि ज्ञेयों में करते हैं। तो ज्ञेयों में ज्ञान का व्यापार करते 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 जाओ, 2000 सागर के बाद ज्ञान अक्षर के अनंत में भाग रह जाएगा। परलक्षी ज्ञेयों में व्यापार किया ना ज्ञान ने, ज्ञान ने किस में व्यापार किया? कि ज्ञेयों में व्यापार किया। अधिकतम सीमा तुम 2000 सागर तक ज्ञेयों में व्यापार कर सकते हो। ज्ञान पर इतना आवरण आएगा कि ज्ञान अक्षर के अनंत में भाग रह जाएगा। आचार्य कहते हैं भाई, एक बार इस ज्ञान की प्रगट परिणति का व्यापार अंतर चैतन्य में हो जाए, और मात्र 48 मिनट तक ये खेल चले, ख्याल में आया? 48 मिनट तक ये खेल चले, अंदर में से केवल ज्ञान होगा। तुझे ज्ञेयों की ओर नहीं जाना पड़ेगा, ज्ञान तेरे ज्ञेय तेरे ज्ञान में प्रतिबिंबित होंगे। और कहना पड़ेगा बाबू युगल जी को कि विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, केवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, है ना। पर तुम तो उनसे अति विरक्त नित निरखा करते निज निधियां, अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावलियां। बोलो क्या होता है? कि उनके ज्ञान में ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं जो उनसे विरक्त रहते हैं। जो ज्ञेयों में अनुरक्त रहते हैं उनका ज्ञान भी लुट जाता है। ख्याल में है कि नहीं है? क्या कहा? कि जो ज्ञेयों में अनुरक्त रहते हैं उनका ज्ञान भी लुट जाता है, और जो ज्ञायक में अनुरक्त रहते हैं उनका ज्ञान ऐसा खिलता है कि एक समय में 3 काल 3 लोक को जानने वाला केवल ज्ञान उनके ज्ञान उनके रूप ज्ञान परिणमित हो जाता है। और ऐसा होने पर भी वे भगवान उनकी ओर झांकते नहीं। लोकालोक की ओर भगवान थोड़ी झांकते। अब लोकालोक की ओर नहीं झांकते फिर भी ज्ञान में लोकालोक आता है, जानने में क्या करेगी, है ना। ये व्यापार ऐसा स्वरूप है ना। इसलिए कह रहे भाई, जानने में नहीं आता, समझने में नहीं आता ऐसा मत कह, इसमें कलंक लगता है। भगवान आत्मा को क्या लगता है? तो भगवान आत्मा को कलंक लगता है। इस तरह ये सहज वैराग्य रूपी महल की शिखर की शिखामणि की गुरुदेव श्री ने व्याख्या की, तो ये एक शब्द की व्याख्या हुई, है ना। और बातें गुरुदेव ने कही है इसमें से, जितनी जितनी बातें अपन ले सकते हैं अपन और भी इसमें से लेंगे। आगे की चर्चा अपन कल की स्वाध्याय में और करेंगे।